अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो मोबाइल है ये आप चेक कर लें, नोकिया का नोकिया 110 है, ये आपके सामने है। ये 1192 इसमें शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ गई है। ये अब मैं आपको सप्लाई के साथ चेक करवाता हूँ। अब मैं इसके साथ इसके बैटरी कनेक्टर वगैरह ये यहाँ पर मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये आप चेक करें, ये सप्लाई जो है वो बिल्कुल, ये मैं आपको चेक कर रहा हूँ। ये मैं चेक लगाया इसकी तरफ और ये इसकी तरफ चेक कर लें। ये शॉर्टेज वगैरह मुकम्मल सेट जो है वो शॉर्ट फॉल्ट बता रहा है, ये आपको सामने है। ये आपको वीडियो के अंदर आप इसकी आवाज़ भी आ रही है। मैं फिर कनेक्ट करता हूँ, ये देख लें, यहाँ पे ये शॉर्टेज बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम दोस्तों को मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कि आप किस तरीके से ईजिली इसकी शॉर्टेज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मैं हूँ तनवीर अली और आप देख रहे हैं punjabmobile.pk, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मसूल हो सके। ये देख लें जी, ये बोर्ड काफ़ी ठीक हालत में है। अब आपने इसका जो है ये बैग पत्री वगैरह इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बगैर आपने चेक करने के बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है, ये आपको चेक करवाता हूँ। ये यहाँ पर इसका एक खड़ा है कैपेसिटर, ये जो येलो कलर का कैपेसिटर है आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। और मैं भी अब रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ कि सेट ऑन होता है या नहीं। ये वाला कैपेसिटर आप चेक कर लें, हमने सेट से जो है वो रिमूव कर लिया ये वाला, ठीक है। आपको सेट में भी चेक करवाता हूँ और चेक कर लीजिएगा। यहाँ से आपने ये वाला जो येलो कलर का था ना वैसे, ये आपने रिमूव कर लेना है। और अब मैं सेट आपको चेक करवाता हूँ ऑन करके कि ये इसके बैटरी को रिमूव करने से इसका सेट जो है वो ऑन हुआ या नहीं। मैं सेट को मुकम्मल यहाँ से फिट करता हूँ। इतना फिट करने के बाद आपको सप्लाई पर चेक करवाता हूँ ये सेट ऑन हुआ या नहीं। ये देख लें जी, सेट आपके सामने है। ये देख लें जी, सिर्फ एक कैपेसिटर को रिमूव करने की वजह से आपका सेट जो शॉर्ट था मुकम्मल डेड था, तो ये बिल्कुल ओके हो गया और ये बिल्कुल कारामद हो गया। आप भी इस तरीके से अपने शॉर्ट सेट को जो है एक कैपेसिटर को रिमूव करने पर जो है वो बिल्कुल ओके कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।